કઈ નામ આપણું? ડોટી બેગે આશીબો. राजस्थान, इस राज्य का नाम सुनते ही बड़े बड़े महल, विश्व प्रसिद्ध पैलेस या फिर भव्य इमारतों का ख्याल मन में आता है। राजस्थान को राजाओं का स्थान भी कहा जाता है। यहाँ की संस्कृति में जितने राजसी ठाट बाट देखने को मिलते हैं, वहीं कई जगहों का रहस्य मन में कई प्रकार की जिज्ञासाएं पैदा करता है। आज गजब की बात में आपको लेकर चलेंगे अनगिनत रहस्य और रोमांच समेटे राजस्थान के एक जिले चूरू में, जहाँ के एक गांव में सिर्फ एक ही आदमी रहता है और उस आदमी के रहने के पीछे एक खास वजह है। राजस्थान प्रदेश रहस्यों से भरा हुआ है। इसी क्रम में द नगरी मीडिया की टीम पहुंची है आज एक ऐसे गांव में जहां पर केवल मात्र एक वोट है। जी, हम बात करेंगे आज श्याम पांड्या की, जो कि चूरू जिले की तारानगर तहसील के गाँव कैलाश के पास नजदीक है, जहाँ पे केवल एक वोट है। और ये नेटवा ग्राम पंचायत जो यहाँ से करीब 8 से 7 किलोमीटर दूरी पे है, उसके अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ का मत अगर 2011 की जनगणना देखें तो केवल यहाँ पे एक वोट है, वो श्री श्याम यानी कि श्याम जो कृष्ण है उनके नाम पे लगता है। जो भी पुजारी यहाँ पे रहता है वो अपना मत यहाँ पे देता है। पुजारी से कोई परिचय पत्र नहीं लिया जाता, ना कोई नाम पूछा जाता है, केवल श्याम के नाम से यानी खाटू श्याम जी है उसका एक अवतार यहाँ पे माना गया है, उसके नाम से यहाँ पे मत लगता है। तो चलिए, द नगरी मीडिया के साथ हम दिखाते हैं आपको इसके रोमांस और रहस्य से भरे इस गांव की हकीकत, कि क्या उसमें हकीकत और क्या इसका रहस्य है एक मत का, और क्या है यहाँ की पूरी कहानी, क्योंकि महाभारत काल से भी इसका कहीं ना कहीं लिंक बताया जा रहा है। तो चलिए नगरी मीडिया के एक सुहाने सफर पे, और हम दिखाएंगे आज आपको रोमांस और जो रहस्य है इस गाँव का वो। तो ये श्याम पांड्या दिखाते हैं आपको। राजस्थान के चूरू जिले में नेठवा नाम का एक गाँव है। आश्चर्यजनक रूप से गाँव में 521 बीघा जमीन सरकारी जमीन है, जिस पर ग्राम पंचायत का अधिकार है। ये पूरी भूमि पशुओं के चरने के काम आती है। केवल 1.5 बीघा जमीन को रिहायशी भूमि या आबादी भूमि के रूप में छोड़ा गया है। केवल इसी भूमि को आबादी बसाने के लिए काम में लिया जा सकता है। वर्ष 2011 में हुई जनगणना में ये आश्चर्यजनक तथ्य सामने आया कि यहाँ पर केवल एक व्यक्ति ही रहता है। કઈ નામ આપણું? ડોટી બેગે આશીબો. નેઠવા ગ્રામ પંચાયત કે અધીન આને વાલી ઇસ 1.5 બીઘા જમીન પર એક મંદિર બના હુઆ હે। ये मंदिर गांव के बीचों बीच बने 300 फुट ऊंचे एक टीले पर बना हुआ है। इस मंदिर को श्याम पांड्या धाम भी कहा जाता है। इसी के नाम से गांव का नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। કઈ નામ આપણું? ડોટી બેગે આશીબો. इस મંદિર में पुजारी की नियुक्ति ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है। केवल वही व्यक्ति इस पूरे गांव में रहता है। पहले यहां पुजारी के रूप में राजेश गिरी थे, जो अकेले ही पूरे गांव में रहते थे। उनकी मृत्यु के बाद ज्ञानदास को मंदिर में पूजा पाठ का कार्य सौंपा गया है। अब वर्तमान में पिछले 6 महीनों से कैलाश यहां पर रह रहे हैं, और नगरी मीडिया ने जब वहां पहुंचकर पड़ताल करने की कोशिश की, महंत से बात की, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। राजस्थान वीरों की भूमि कहलाया जाता है, लेकिन यहाँ पे रहस्य भी कम नहीं है।
राजस्थान प्रदेश के चूरू जिले में तारानगर तहसील पड़ती है, वहाँ पे एक गांव है श्याम पांड्या नाम से, जहाँ पर एक दादा के नाम से विराजमान भगवान के रूप में उनको पूजा जाता है, जो यहाँ पे विराजमान है। इनकी मान्यता अच्छी खासी यहाँ पे है और दूर दराज से लोग यहाँ पे दर्शन करने और अपनी मन्नत मांगने यहाँ पे आते हैं। हाल फिलहाल हम उसी स्थान पे खड़े हैं, यह तारानगर से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कैलाश गांव के पास है। यहाँ पे जो ग्राम पंचायत लगती है वो नेठवा ग्राम पंचायत लगती है। हाल फिलहाल की स्थिति यहाँ की बहुत ज़्यादा जो है वो ज़्यादा ये कहें कि पब्लिक के दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा पर्चे दिए हुए हैं। चमत्कारिक मंदिर इसको कहा जाता है। हाल फिलहाल मेरे साथ यहाँ पे मांगीलाल उर्फ इनका जो जन्म का नाम है, जो पुजारी हैं, वो यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेता हूँ। उनका नाम तो है वैसे मांगीलाल, जन्म का नाम, लेकिन यहाँ पे इनको श्याम के नाम से जाना जाता है। मैं उनसे बात कर लेता हूँ। काई नाम है आपनों? मेरा नाम श्याम। मांगीलाल कौन है? मांगीराम तो जन्म गया है, फिर उराए तो श्याम है मेरा नाम। अच्छा, श्याम। कब से हो आप यहाँ पे? माना हो गए 6 महीने। 6 महीने हुए? हाँ। क्या रहस्य है इस मंदिर का, दादा के नाम से जो लगा रखा है, यहाँ पे भगवान के रूप में पूजा जाता है दादा को, पूरा बताओ थोड़ा बहुत डिटेल, तो कहीं रहस्य को बताया नहीं। पूरा बीमा है लेने की खातर, बड़ा कुल 76 और कुल 76 हूँ, देख ले तुम, रथ पा आया इना आगे निवला श्याम पांड्या की माँ रहा कर दी, बिना कहा करे श्याम पांड्या निवला गांव चुराने जा रहा हो तो निवला कुल 76 में याद करे भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण याद करे और एक सपूर्ण को नहीं है उस बिना निवला उसने लेके जाऊंगा। निवला ये बाजे थोड़ी देर में आके, थोड़ी देर में आ गया, फिर आया निवला भाई किस तरह आने हो गए, निवला उसका दादा लग गया करता भीम, भीम का पोता है यो। अच्छा। हाँ। फिर निवला मैं तो इतना लेना आया हूँ और उड़ा कुल 76 में जाना चलना पड़ेगा, निवला चलेंगे चलाए दादा के, निवला मैं रोटी राटी खा लूँ नहा लूँ गए, नहाया नागे निवला रोटी राटी खा ले तू और माँ आया तू चार इतना रथ में और मैं तेरे सीटी सीटी आ जाऊँगा। वो सोचा कौन सा आवे है तो नहीं इतना भेज जाए, वो कुल 76 मैं पहुँचिया को नहीं, जब तक पहले तो चले गया नागे, धोती बेगे थोड़ी धोती बेगे अच्छी वो ऊपर की ऊपर चले गया, आगे जाके देखा आगे बैठा पाया, इतनी शक्ति देख लो। दानू साहब कहा है कि इस पूरे ग्राम पंचायत नेठवा में एक अकेला ऐसा गांव है जो श्याम पांडे के नाम जाना जाता है। यहाँ पे 521 बीघा जमीन जो है वो वन विभाग ने ले रखी है, लेकिन 1.5 बीघा जमीन ही रिहायशी यानी आवासीय के लिए दे रखी है, आवंटन की रखकर रखी है। लेकिन हाल फिलहाल यहाँ पे एक बंदा केवल यही एक वोट है मात्र, राजस्थान प्रदेश का ये गांव है श्याम पांड्या, जहाँ पे केवल एक मत लगता है, वो पुजारी का मत लगता है और श्याम के नाम से जो मत है वो दिया जाता है। यहाँ पे 521 बीघा में 1.5 बीघा जमीन जो वन विभाग ने अलॉट कर रखी है वो रिहायशी के लिए आवासीय लिए कर रखी है, लेकिन हाल फिलहाल केवल यहाँ पे एक ही रहता है। तो ये एक रहस्य से कम नहीं है, चमत्कारिक जो राजस्थान प्रदेश है वो चमत्कारों से भरा हुआ है और हाल फिलहाल चूरू की धरती पे हैं जो वीरभूमि हैं और श्याम पांड्या जो है वो ये मंदिर में हम हाथ खड़े हैं। और जैसे कि हमने जो पुजारी से बात की, पुजारी ने साफ कर दिया है कि ये चमत्कारों से भरा हुआ मंदिर है, यहाँ पे अगर सच्ची श्रद्धा से यहाँ पे कोई आता है तो उसकी मन्नत जरूर पूरी होती है। अब हालात ये है कि तमाम जो पॉलिटिक्स पार्टियाँ हैं या जो नेता हैं या जो सांसद हैं यहाँ के लोकल नेता हैं वो लगातार इसको पर्यटन के क्षेत्र में बदलने के लिए लगातार कवायद कर रहे हैं। जो पूर्व सांसद थे उन्होंने भी यहाँ पे खूब काम करवाए हैं, पूरा एरिया जो है इसको पर्यटन क्षेत्र में तब्दील करने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। कैमरा पर्सन रमाकांत व्यास के साथ संदीप अग्रवाल, द नगरी मीडिया, जयपुर। काई नाम है आपनों? धोती बेगे अशी वो